भयंकर पानी बरस रहा है। ये देखिए मतलब यहाँ तेज बारिश हुई है प्रॉपर। तो अभी यमुना नदी एकदम बढ़ गई भाई, जब लास्ट टाइम आए थे यहाँ पे कुछ भी नहीं था और मेरी वो 3 मिनट की जो फुटेज है बर्बाद हो चुकी है ऑलरेडी क्योंकि। और ये जो दुकान है ना ये अपने मुंगौड़ों के लिए पहले यहाँ जानी जाती थी, यहाँ पे जब हम लोग पहले आया करते थे। स्वागत है विराट ब्लॉग्स के नए एपिसोड में। और तो जैसा मेरा प्लान था कि मौसम सही होते हम निकल लेंगे चित्रकूट के लिए, तो आज मौसम एकदम सही है, तैयारी पूरी है, बस हम निकलने वाले थोड़ी देर में चित्रकूट के लिए। और आज उन जगहों को एक्सप्लोर करेंगे जहां पे अभी तक हम नहीं जा पाए हैं। और ये जो व्लॉग सीरीज है ये काफी खास है क्योंकि ये पूरी रॉ वीडियोस आप तक पहुंचाई जाएंगी, मैं इसको एडिट नहीं करने वाला, कोई सीन डिलीट नहीं होगी, आप तक सारे जो पूरे पूरे रास्ते जो मैंने ट्रेवल किए हैं उन सब की वीडियोस आएगी ताकि आप भी एक्सपीरियंस कर सको कि कैसे कैसे ये रास्ते होते हैं और सोलो ट्रैवलिंग क्यों इंटरेस्टिंग है और उसमें एडवेंचर कैसा है ये भी आपको पता चलेगा। तो चलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो स्वागत है विराग ब्लॉग्स के एक नए एपिसोड में। और एक बार फिर से निकल लिया अपने टूर के लिए। और लास्ट टाइम हम लोग कामतगिरी तक गए थे और हनुमान धारा का हमने दर्शन किया था। और आज का प्लान थोड़ा अलग है क्योंकि आज हमने ये डिसाइड किया है कि आज हम परिक्रमा नहीं करेंगे बल्कि उन जगहों को एक्सप्लोर करेंगे जहाँ हम पिछली बार नहीं जा पाए थे और कुछ नई जगह ढूँढने की कोशिश करेंगे जहाँ पर आप घूम सकते हैं। तो अभी हम कहाँ पहुँच रहे हैं पता नहीं, पर बादल हैं और बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। आई गेस ये महेवा घाट है, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये महेवा घाट है। और पानी की बूंदें तो गिरनी ऑलरेडी शुरू हो ही चुकी हैं। पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है मुझे नहीं पता, लेकिन पानी यहाँ बरस रहा है, पानी की बूंदें गिर रही हैं। एक्चुअली बादल उतने घने नहीं हैं बट फिर भी स्टिल पानी तो आ ही रहा है। तो कुछ दिन का गैप था, उसके बारे में तो आपको पता ही है कि मौसम की वजह से वो गैप था, कोई बड़ा कारण तो था नहीं वहाँ पर। भाई यहाँ पानी बरस रहा है, भयंकर पानी बरस रहा है। ये देखिए मतलब यहाँ तेज़ बारिश हुई है, प्रॉपरली एक तेज़ बारिश हुई है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमको बारिश में गाड़ी चलाने का मौका मिल रहा है। अरे दादा रुक जाओ, निकल जाए दे नहीं सरक जाबो, बहुत गड़बड़ है ये। और यहाँ पे लाइन से गाड़ियाँ लगी हुई हैं और यमुना ब्रिज के पास पानी मिला है एक्चुअली आके, कौशाम्बी तरफ पानी नहीं है और यहाँ से चित्रकूट की सीमा शुरू हो जाती है। तो ये जो पानी मिला है एक्चुअली ये यमुना, भाई यमुना काफी बढ़ गई यार। तो अभी यमुना नदी एकदम बढ़ गई भाई, जब लास्ट टाइम आए थे यहाँ पे कुछ भी नहीं था और मेरी वो 3 मिनट की जो फुटेज है बर्बाद हो चुकी है ऑलरेडी क्योंकि कैमरे के लेंस में पानी पड़ गया, सब धुंधला धुंधला आ रहा था, तो मुझे पता ही नहीं चला। यही दिक्कत होती है बारिश में यार, बाकी सब कुछ सही है। लास्ट टाइम वहां पे जो है आदमी नहा रहा था और वहां पे कुछ नहीं बचा, वहां पे खाली पानी है पानी है, नाव चल रही है खाली आगे, बाकी पूरे यमुना नदी भर गई है। तो अभी राजापुर तो पहुंच चुके हैं और लास्ट टाइम जब आए थे यमुना जी में पानी नहीं था और इस बार भयंकर पानी है और यहाँ बारिश भी हो रही है, इसलिए पूरा लेंस भीग चुका है कैमरे का। और लेंस भीगने का मतलब ये है कि यहाँ पे अब रिकॉर्डिंग करना तो मुश्किल ही है क्योंकि पूरी का पूरी जो वीडियो है ब्लरी हो रही है काफ़ी ज़्यादा। अंदाज़ा आप लगा सकते हैं यमुना के पानी का कि देख लीजिए बहाव कितना तेज़ है, मैं दिखा भी नहीं सकता वहाँ जाके क्योंकि हमें देर हो रही निकलना है, चित्रकूट है तो अभी यहाँ से तकरीबन 45 किलोमीटर या 50 किलोमीटर और बचा है। सो फाइनली बारिश स्टॉप हो गई है, यानी बारिश रुक गई है और यहाँ पे ज़मीन काफ़ी फिसलन भरी है भाई। और उससे पहले हुआ ये था कि हम जब अभी आ रहे थे वहाँ पे तो बारिश हो गई और हमको पता ही नहीं चला कि कैमरे के लेंस में पानी था, तो तकरीबन 2 मिनट की जो फुटेज है वो एकदम ब्लरी हो गई है पानी की बूंदों की वजह से। और हम उम्मीद करेंगे कि अब बूंदाबांदी ना मिले। फ़िलहाल श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि पहुँच चुके हैं, यानी कि हम लोग पहुंच चुके हैं कहाँ पे, हम लोग पहुंच चुके हैं राजापुर और राजापुर से चित्रकूट पड़ता है तकरीबन 50 किलोमीटर्स। यहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा है, रोड पे फिसल रही है पूरी मिट्टी। तो बस अब ट्रैवल अपना शुरू हो चुका है, कुछ काम होते हैं उनको करना होता है उसके बाद फिर से घूमना होता है। बाकी आज मेरी गाड़ी और मेरे कपड़ों की तो ऐसी तैसी होने वाली है, वो हमको पता है। तो ये श्री तुलसीदास चौराहा है, जो भी कहते हैं उसे, मैं तो इसे तुलसीदास चौराहे कहता हूँ। और ये जो दुकान है ना ये अपने मुंगौड़ों के लिए पहले यहाँ जानी जाती थी, यहाँ पे जब हम लोग पहले आया करते थे मुंगौड़ा ज़रूर खाते थे, पर अब लगता है दुकानों में ख़त्म हो गई है क्योंकि यहाँ समोसा बिकने लगा है, मुंगौड़ा है ही नहीं। तो राजापुर से अगर कोई मित्र हमारे देख रहे हैं बताइए वो दुकान कहाँ गई जो यहाँ चौराहे पर हुआ करते थे मुंगौड़ा वाली, क्या ख़त्म हो गई क्या वो दुकान,
क्योंकि हम पिछली बार भी आए थे जहाँ समोसा ही बन रहा था, चाय बन रही थी, मंगौड़ा दिखाई नहीं पहले एक बहुत यहाँ पे छप्पर डाल के पूरा मंगौड़ा बनाया जाता था तो वो चीज़ दिखी नहीं। अरे यार कितना धूल है भाई। सो अब हम लोग कौसाम्बी की सीमा को पार करके चित्रकूट की सीमा में आ चुके हैं और यहाँ से तकरीबन मान के चलिए 40 किलोमीटर का सफ़र है, उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे। आज पहले प्लान तो ये है कि शायद रामघाट जाएंगे, रामघाट से होते हुए जाएंगे सती अनुसुईया और ट्रैवल का मज़ा तो उठाते ही रहेंगे, तो कोई डाउट है ही नहीं है। तो अभी तो फ़िलहाल हम लोग क्रॉस कर चुके हैं राजापुर को और इसके बाद देखिए अगर आप आना चाहते हैं ना वाया कौसाम्बी तो रास्ता एकदम सिंपल है। आपको सबसे पहले कौसाम्बी अगर होके आना है दो रास्ते हैं, या तो आप मंझनपुर होके आएंगे या फिर आप ओसा होके आएंगे और आप सीधे महेवा घाट की रोड पकड़ेंगे, आपको छोड़ना नहीं है। इनफैक्ट महेवा घाट जब आएंगे तो आपको राजापुर मिलेगा और आप रास्ता तो देख ही रहे हैं, राजापुर चौराहे से आपको सीधा चले आना है, मुड़ना वहाँ पे भी नहीं है, तो आपको ये रास्ते सीधे चित्रकूट पहुँचा देंगे। और यहाँ से अब हमको लेना है राइट टर्न, राइट टर्न लेते ही हम लोग ये सीधा रोड हमको पहुँचाएगी चित्रकूट, अब कहीं नहीं मुड़ना है, ये रोड सीधा हमको लेके जाएगी चित्रकूट। तो रास्ता एकदम सिंपल है बॉस, इसीलिए देखिए मैं ट्रैवल ब्लॉग को अपना लंबा कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रैवल ब्लॉग का मतलब मेरे हिसाब से तो ये नहीं है कि सिर्फ मैं जाऊँ दर्शन करूँ और आपको करवाऊँ। मेरा मानना ये है कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि वो जगह कहाँ पे है, आप कैसे पहुँच सकते हैं। अब बात करें ट्रेन से तो आप चित्रकूट से या ट्रेन से भी पहुँच सकते हैं, स्टेशन के बाद आपको तमाम सारे होटल्स मिल जाएंगे, आपको लॉजेस मिल जाएंगे, गेस्ट हाउसेज मिल जाएंगे, आप कहीं पर रूम बुक करके आराम से घूम सकते हैं। बस से आएंगे तो बस का हमने पहले ही बता दिया कि इलाहाबाद से भी आ सकते हैं आप और आप कौसाम्बी से भी आ सकते हैं चित्रकूट या और कोई रूट हो। अब सुनने में आ रहा है कि एयरपोर्ट भी यहाँ का शुरू हो चुका है तो आप फ्लाइट से भी आ सकते हैं। अब मुझे इतना एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है कि यहाँ पे कौन कौन सी फ़्लाइट अवेलेबल हैं और कैसे कैसे क्या सिस्टम है, वो मैं पता करके बताऊँगा, लेकिन सुनने में भी हाल ही में मैंने पढ़ रहा था अखबार में कि यहाँ का जो एयरपोर्ट है वो शायद एक्टिव हो चुका है, अब उसको यूज़ में लिया जाना शुरू कर दिया गया है। तो बस यही रास्ते हैं चित्रकूट पहुँचने के और ये देवभूमि तो है ही है भैया, घूमने वालों के लिए ये तो फिर एक जन्नत है, स्वर्ग है, या और भी कुछ आप पर्यायवाची जोड़ सकते हैं अपने से। और अभी हम लोग चित्रकूट से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर ही हैं, ये मान के चलिए। लास्ट टाइम यहीं पे रुक के हमने कोल्ड ड्रिंक पी थी इसी दुकान से क्योंकि भूख लगी थी और आज भी हम वही बेवकूफ़ी किए हैं, उस दिन भी कुछ खा के नहीं चले थे और आज भी कुछ खा के नहीं चले। तो अच्छा आप लोग कमेंट में ये करके बताएंगे क्या कि आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता तो चले कि मेरे व्यूवर्स कहाँ कहाँ से हैं। क्या सिर्फ मुझे कौसाम्बी और इलाहाबाद के लोग देख रहे हैं या बाहरी लोग भी देख रहे हैं? तो आप लोग बताएं कमेंट में कि आप लोग कहाँ कहाँ से, ताकि हमारा आपका जो एक इंटरेक्शन है वो भी हो सके और हम जान सकें कि लोग हमको कहाँ कहाँ से देखते हैं। उस साइड देखिए कितने भयानक काले बादल हैं। और मैंने आज पता है क्या किया है, मैंने पहले पॉलीथीन ले ली है कुछ, ताकि मैं अपने फ़ोन और पर्स और पैसों को रख सकूं। एक बार हुआ ये था कि मैं ऐसे चल दिया था और पानी बरस गया था, और हुआ ये था कि मेरे जितने भी फ़ोन या पैसे वैसे थे सब भीग गए थे। तो वो गलती आज नहीं की, हमने पूरी प्रिपरेशन करके रखी है वो उसके सिनेरियो को ध्यान में रख के। तो इस तरह के मौसम में प्रिकॉशंस लेने भी चाहिए क्योंकि देखो पहाड़ी इलाका है और सुनने में आता है कि पहाड़ी इलाकों में पानी ज़्यादा बरसता है। अब मैं कोई भूगोल वैज्ञानिक तो नहीं हूँ लेकिन सुना है हमने। तो बस तो अभी राजापुर क्रॉस कर चुके हैं। भले इस समय प्रकाश की रफ्तार से आपके स्क्रीन पे हम चल रहे हो, लेकिन जब आप कभी वास्तविकता में यहाँ पर आएंगे तो ये रास्ते काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार हैं, क्योंकि सफ़र का मज़ा रास्तों में ही होता है, मंजिल में नहीं। और इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद यही है कि हम यहाँ पर इस वीडियो को रॉ रखें, आपको पूरे रास्तों को दिखाएं कि कैसे कैसे जगहों से हम गुजर रहे हैं, कौन कौन सी नई नई चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, क्या क्या चीज़ें हमने एक्सपीरियंस करी, क्या क्या चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कैसे आप चित्रकूट पहुंचेंगे और आपको कहां कहां घूमना चाहिए और क्या क्या एडवेंचर आपको यहां पे मिल सकते हैं, इसके बारे में भी हम पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। इसलिए ये वीडियो या ये पूरी सीरीज़ आप कह लीजिए हम अनएडिटेड रखेंगे, इसको हम एडिट नहीं करेंगे, किसी भी तरीके से क्लिप्स यहाँ पर शॉर्ट नहीं की जाएंगी, आपको पूरा वीडियो मिलेगा। और बने रहिए वीडियो के दूसरे पार्ट्स में, क्योंकि इसके आगे का सफ़र आपको वहीं देखने को मिलेगा। आपने वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।